जी न्यूज 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24x7। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, रानी की सराय पुलिस ने 23 जनवरी को आयोजित होने वाले शिक्षा पात्रता परीक्षा 2022 के दौरान नकल कराने के लिए गैंग बना रहे साजिश करके परीक्षार्थियों से अवैध धन वसूली करना व परीक्षा की शुचिता को भंग करने के लिए एक योजनाबद्ध रूप से प्रयास करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 7 कॉलेज के प्रबंधक, प्रिंसिपल व राम बाबू समेत 22 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके निशानदेही पर 51,20,000 रुपए, 2,70,000 रुपए नगद व चेक, 6 चेक, 48,50,000 रुपए के 2 चार पहिया वाहन व 1 टायरी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि टीईटी परीक्षा में कुछ गैंग नकल कराने के फिराक में है। रानी की सराय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 कॉलेज के प्रबंधकों, प्रिंसिपल व बाबू को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में जानकारी हुई कि यह गैंग अभ्यर्थी से नकल करने के नाम पर 3 लाख रुपए लिए हैं। आइए देखें योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सब अवगत है, कल 23 तारीख को टीईटी की परीक्षा थी, जिसके संबंध में पूरे जनपद में सूचना संकलन किया जा रहा था। इसी सूचना के क्रम में आज पुलिस के द्वारा 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 2,70,000 कैश बरामद हुआ है, 48,5 लाख के 6 चेक बरामद हुए हैं और 7 स्कूल से रिलेटेड इसमें लोग हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनके यहाँ काम करने वाले क्लर्क हैं, एक DIS ऑफिस के बाबू भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। काफ़ी लोग रामपुर से आए हुए गिरफ्तार हुए हैं, जिनका एक रैकेट था जो बकायदा पूरा पैसा कलेक्ट करके और अलग अलग सेंटर्स पे अपनी सेटिंग करके उसके बाद TET की परीक्षा में चीटिंग का काम किया करते थे। इनसे बहुत विस्तार में पूछताछ की गई है। पूछताछ में बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा इनका जो प्लान था वो था कि सेंटर पे जाके और किसी तरीके से पेपर, जो क्वेश्चन पेपर है, उसकी आंसर की डेवलप करके कैंडिडेट्स में वितरण करके और उन कैंडिडेट्स जिनसे इनके द्वारा पैसे की बातचीत है, पैसा लिया गया है। इसके साथ साथ ये भी बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा कुछ मार्कशीट्स हैं जो एक सिक्योरिटी की तरह कैंडिडेट से लेके अपने पास जमा करा ली जाती थी कि अगर आप पैसा नहीं दोगे बाद में, जो बकाया पैसा है, तो मार्कशीट्स हम लोग वापस नहीं करेंगे। इनके पास से काफ़ी संख्या में एडमिट कार्ड्स भी बरामद हुए हैं। टोटल 22 लोग अभी गिरफ्तार किए गए, 6 लोग और हैं जो इसमें अभी फरार हैं, बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इस कार्रवाई में SI ज्ञानचंद शुक्ला, जिनके द्वारा इस सूचना के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया गया, इनको मेरे द्वारा 20,000 रुपये की धनराशि से पुरस्कृत किया गया है और जो गिरफ्तारी करने वाली टीम है उनको पूरा 25,000 रुपये के पुरस्कार से मेरे द्वारा पुरस्कृत किया गया। किस तरह कार्रवाई की जाएगी, जो लोग अरेस्ट हुए हैं? इनसे बहुत विस्तार में पूछताछ की जाएगी। जो इनसे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, जो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, CDR एनालिसिस इनके बहुत सारे हमारे पास, कुछ गैलरी में इनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह इस तरह के हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे रैकेट के लिए। आगे गैंगस्टर की कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी और इनके जो सेंटर्स हैं जहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ रहती थी उनको ब्लैकलिस्ट कराने के लिए DM आजमगढ़ को भी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी और नकल माफिया के रूप में भी इन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। क्या ये नकल करा चुके थे या अभी कराने वाले? नहीं, नकल कराने के प्रयास में थे और क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही पूछताछ करके इस पूरे प्रकरण में लगभग टोटल 45 लोगों से पूछताछ की गई, जिनमें से इन 22 लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया। जिन सेंटर्स पे पहले से डाउट था वहाँ एक्स्ट्रा लोगों की ड्यूटी लगा के और सारे अधिकारियों के द्वारा उनका भ्रमण करते हुए सुनिश्चित कराया गया कि कहीं भी किसी प्रकार की नकल ना की जा सके। सर, इनका रैकेट आजमगढ़ में है कि और जनपदों में इस तरीके का इन्होंने किया है? अब जैसा आप देख रहे हैं कि रामपुर से यहाँ आके काफी संख्या में लोगों ने यहाँ आके इस रैकेट का पार्ट थे और पैसे का लेन देन किया था। इनके पास से डायरी और हिसाब किताब बरामद हुआ है। ये जाहिर सी बात है कि कई जनपदों तक इनका रैकेट फैला हुआ है और इसमें सबसे बड़ा कॉकस जो है वो जो स्कूल चलाने वाले हैं, जिनको जो सेंटर्स अपना करा लेते हैं, उनका सबसे बड़ा रैकेट है। इसीलिए इसमें स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजर, क्लर्क और DIS ऑफिस के एक बाबू, इन सब पे कार्रवाई करते हुए साथ साथ में ऐसे भी कैंडिडेट जिन्होंने पैसे का लेन देन किया था उनको भी गिरफ्तार किया गया। पर कैंडिडेट कितना अमाउंट इन्होंने निर्धारित किया? अभी तक की पूछताछ में 3 लाख रुपए की बातचीत आई है कि पर कैंडिडेट 3 लाख रुपए था। उसमें कुछ अमाउंट ये एडवांस में लेते थे और उस बाकी जो अमाउंट था उसकी सिक्योरिटी के रूप में कैंडिडेट की ओरिजिनल मार्कशीट, 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, BEd फाइनल ईयर छोड़ के बाकी सारी मार्कशीट अपने पास रख लेते थे कि जब तुम हमारे बकाया पैसा दे दोगे तब हम तुम्हारी मार्कशीट वापस कर देंगे। सर, ये तो मास्टर साहब।
ध्यान में होंगे, खुद के टीचर तो नहीं है। राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।